आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही टैलेंटेड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मिस्टर जॉयब्रोटो दास, जिनको प्यार से जॉयदा भी कहा जाता है. नमस्कार जॉयदा, स्वागत है आपका. सर, आपकी जो ये सफर है फ्रॉम अ ग्राफिक डिजाइनर टू अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, साथ ही साथ कॉन्जर्वेशनिस्ट भी हैं आप, तो इस जर्नी के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए टू बिगिन विथ. देखिए, जब मैं छोटा था तो दूरदर्शन में आई रिमेम्बर लेट 70s में एक जाक क्रिस्टो का एक ओशनोग्राफर थे, उनका एक सीरीज आता था अंडर द सी का नाम से. तो मैं जब वो देखता था मेरे को बहुत अच्छा लगता था एंड आई ऑलवेज लव द नेचर. लेटर ऑन जब ये सोशल मीडिया आया, पर्टिकुलरली फेसबुक, जब मैं देखने लगा लोगों का काम, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट और भी ज़्यादा लगा. अच्छा, तो फिर ग्रेजुअली मैं फोटोग्राफी में, जब मैं एक्चुअली अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के काम में करता था, मैं पब्लिशिंग हाउस में कनेक्टेड था, तो मेरे को काफ़ी तरह तरह के फोटोग्राफ करने का मौका मिलता था, बी इट अ प्रोडक्ट डिज़ाइन और बी इट अ प्रोफाइल शूट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट हैंड मेरे को कैमरा का नॉलेज वहाँ से मिला. फिर मेरे पास एक फर्टर्निटी था, तो उस फर्टर्निटी में हम लोग कनेक्टेड थे और वीकेंड्स में हम जाके स्ट्रीट फोटोग्राफी करते थे. दैट वॉज ऑल्सो ए फेज. फिर ग्रेजुअली मेरे को लगा कि मेरे को नेचर में जाना चाहिए और मैंने एक बड़ा क्या लेंस लिया. मेरा फर्स्ट लेंस था 400mm प्राइम लेंस कैनन का. और वंस मैंने उसको 2012 में मैंने उसको खरीदा और उसके बाद फिर मैं इसी जॉनरे में मैं रहा. तो सर, आप खास तौर पे बर्ड फोटोग्राफी करते हैं और आपके सब्जेक्ट की बात की जाए, इट इज ऑलवेज मूविंग. तो पक्षियों की फोटोग्राफी के लिए क्या खास तौर पे कैमरा कॉम्पोजिशन रहती है, किस तरह से आप अपना कैमरा सेट करते हैं? वेल, पक्षियों के फोटोग्राफी के लिए 3-4 पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बर्ड्स एज सच काफ़ी फास्ट मूव करता है और आपको नॉर्मली बहुत कम समय मिलता है उसको फोटोग्राफ करने के लिए जी. तो आपको पहले तो ये है कि आपको पहले थोड़ा सा प्री कंपोज कर लेना पड़ता है, वेर इज लाइकली टू बर्ड कम फर्स्ट. और उसके बाद आपको इमिजिएटली आपको थोड़ा शटर स्पीड ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द लाइट कंडीशन, ISO सेटिंग क्या है, और उस हिसाब से आपको उसको प्ले करना पड़ता है. और आजकल मिररलेस कैमरा में एक कैमरा फोकस लॉक जो एक प्रोविजन दिया हुआ है, दैट हैज हेल्प्ड अ लॉट, दैट हैज मेड लाइफ मच मोर इजियर. तो फोकस लॉक से क्या होता है कि आप एक बारी आप उसको फोकस को कैप्चर करके लॉक कर दें, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट इज मूविंग, यू आर स्टिल एबल टू गेट अ डिसेंट शॉट. जी, तो ऑटो मोड पे चला जाता है वो कहीं ना कहीं. वो ऑटो मोड नहीं होता, लेकिन एग्जैक्टली वो उसमें एक प्रोविजन है जहाँ पे आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, उस फोकसिंग को फ्रीज कर सकते हैं. पहले ये जब मैनुअल था तो काफी थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अभी थोड़ा सा इजी हो गया है. राइट. तो विरोनिका ने जैसा कहा कि बर्ड्स हमेशा ऑन द मूव रहते हैं, तो क्या किसी खास मौसम का, खास सीजन का भी आप इंतजार करते हैं और उस दौरान आप जाके शूट करते हैं? नॉर्मली ये जो है ये नवम्बर टू अप्रैल, दिस इज अ वेरी गुड सीजन फॉर द बर्ड्स. और ये होता है कि जो लोअर शिवालिक रेंजेस में जो बर्ड्स आती हैं, वहाँ पे जो हायर माउंटेन से थोड़ा सा नीचे डिसेंट हो जाती हैं, और वहाँ पे काफी अच्छा मिलता है आपको बर्ड फोटोग्राफी के लिए. तो पर्टिकुलरली विंटर सीजन एंड बाहर से माइग्रेशन करके काफी बर्ड्स इंडिया में आती हैं, तो वो काफी अच्छा है बर्ड्स के लिए. और कौन से ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जो बर्ड वॉचिंग के लिए या बर्ड फोटोग्राफी के लिए बेहद जाने जाते हैं भारत में? आपके पर्सनल फेवरेट कौन से हैं? मैं तो नॉर्मली जो है लोअर फुट हिल्स में जाता हूँ. लोअर फुट हिल्स में बर्ड्स का काफ़ी अच्छा है. सत्ताल है जो गॉर्बेट का रीजन है, वो काफ़ी अच्छा है. नॉर्थ ईस्ट का वो बहुत अच्छा है. नॉर्थ बंगाल इज़ वेरी गुड. एंड अदर हॉटस्पॉट्स में फिर साउथ में अगर चाहे तो वेस्टर्न घाट्स एरिया में, वहाँ पे काफी अच्छा बर्ड्स मिलता है. और कहते हैं कि दिल्ली NCR रीजन में भी काफी पक्षी देखे जाते हैं, काफी बर्ड एंथुजियास्ट यहाँ पे आते हैं बर्ड्स को देखने. हाँ, हमारे यहाँ पे कुछ वेटलैंड्स इन एंड अराउंड दिल्ली NCR है, जैसा सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, वो पूरा एरिया जिसको सुल्तानपुर फ्लैट्स भी बोलते हैं, वो काफी अच्छा है. धनौरी वेटलैंड है जहाँ पे सॉरस क्रेन की ब्रीडिंग एंड उसका नंबर्स ऑफ सॉरस क्रेन काफ़ी मिलता है, तो वो काफ़ी अच्छा है. ओखला बर्ड सेंचुरी इज वन, और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, सूरजपुर बर्ड सेंचुरी जो कि नोएडा में है, दो आर फ्यू हॉटस्पॉट्स. और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू योर हार्ट, तो आप अपने आर्ट के थ्रू, अपनी फोटोग्राफी के थ्रू किस प्रकार एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों में?
normally whenever we go for the photography and we interact with the local people जी. तो वो inquisitive होके हमारे पास आते हैं, वो देखना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, and that is the time when we interact with them, उनको बोलते हैं कि why the birds or animals or the surrounding or the ecology is important. Right. और थोड़ा सा हमारा ये होता है कि थोड़ा सा उनको inculcate करके awareness बढ़ा के कि ये हमारे लिए क्यों important है, ये हमारा basically aim रहता है. और ऑफ कोर्स आप इस तरह कुछ करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस भी होते होंगे, ऑब्स्टिकल्स भी होते होंगे, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं एज अ बर्ड फोटोग्राफर? वंस वी गो इनसाइड द जंगल एंड पर्टिकुलर व्हेन वी सी अ टाइगर, तो उस वक्त काफ़ी एक कमोशन हो जाता है, नंबर ऑफ व्हीकल्स काफ़ी सारे आ जाते हैं जी, तो टाइगर्स को देखने के लिए एज अ टूरिस्ट वो इतना ज़्यादा थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है. राइट. तो एट मेनी अ टाइम्स अगर आप अच्छा फ्रेम लेने जा रहे हैं और आप फ्रेम लेते लेते सामने कोई आ गया, समबडी स्टैंड्स अप, आपका वो फ्रेम लूज हो जाता है. तो ये सब थोड़ा सा इसमें ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है, और लोगों को भी सेल्फ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है जी. तो इतने समय से आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं और कई जगहों पर जाकर आपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की है, तो कोई यादगार अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैं बांधवगढ़ में गया था 2011 में, एंड दैट वाज द टाइम कि जब मैंने एक टाइगर को अपने सामने किल करते देखा, दैट वाज रियली वेरी एक्साइटिंग. इससे पहले मैंने सारा टाइम मैंने तो टीवी में देखा था, बट सीइंग इट लाइव इट्स वेरी एक्साइटिंग. और एक दो केसेस और भी हुए हैं जहाँ पे कि टाइगर जो एलिफेंट है पर्टिकुलरली टस्कर, वो जो है उन्होंने चार्ज किया, और दैट वाज प्रीटी स्केरी बट आल्सो वेरी एक्साइटिंग. सर अब बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं फोटोग्राफी के लिए, बहुत सारे कैमराज होते हैं, तो फाइनेंशियली कितना वायबल है, कितना इकोनॉमिकल है एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज एज सच वेरी एक्सपेंसिव, और इसमें क्योंकि नॉट ओनली आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट है, इसमें परमिट कॉस्ट होता है, इसमें गाइड चार्जेस होते हैं, इसमें आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का चार्जेस होता है, तो एज सच इट्स वेरी कॉस्टली. तो एंड मोर ओवर द इक्विपमेंट्स आर यू नो दे रियली टच द रूफ, तो ग्रेजुअली इसको एक्वायर करने में थोड़ा सा आपका फाइनेंशियल बर्डन तो हो जाता है. जोयदा, होम डू यू लुक अप टू एज योर इन्फ्लुएंस? आप किसको देखे इंस्पायर होते हैं या किसको फॉलो करते हैं एज अ फोटोग्राफर? देर आर नंबर ऑफ गुड फोटोग्राफर्स पर्टिकुलरली इन इंडिया ऑल्सो, जैसे शाज जंग हो गए, रामाकृष्णन हो गए, थॉमस विजयन हो गए, इनके फोटोग्राफ्स आर रियली वेरी गुड. एंड नॉट ओनली व्हेन आई सी द फोटोग्राफ, आई डोंट ओनली नॉट ओनली सी फ्रॉम द कंपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई ऑल्सो सी कि हाउ वेल दे हैव बीन प्रोसेस्ड. तो दैट इज माई लर्निंग कर्व ऑल्सो. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशन इज नॉट अ मेन स्ट्रीम प्रोफेशन, तो वॉट कीप्स द पैशन गोइंग? क्या आपको यू नो बहुत पैशनेट बनाता है? देखिए, जो इंटरनल खुशी मिलती है जी, इट्स ऑलवेज व्हेन आई गो इनसाइड द जंगल. राइट. आप इररिस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ पे आप अगर आप कोई भी हाई एंड प्लेस गए, मॉल में गए या कुछ भी खरीदा, दोस हैप्पीनेस आर वेरी इंट्रेंसिक, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस के लिए जहाँ पे नेचर के साथ आप जहाँ पे जुड़ते हैं, दैट इज वेरी गुड. पर्टिकुलरली जब आई गो टूवर्ड्स द कॉर्बेट एरिया और एनी अदर वाइल्ड लाइफ एरिया, तो the vibes I get it is very positive. जी, right. और फिर वहाँ पे जाके when you go inside the wilderness, when we are very alone, you have to hear the sound of silence. That is very pristine. Think एक therapy है खुद के लिए भी, अपने आप को रिचार्ज करने का एक तरीका है इस तरह का जब आप passion follow करते हैं. Absolutely. तो सर कभी ऐसा हुआ है जोयदा आपके साथ कि कुछ आपने शॉट बाय चांस किया हो, आपने उम्मीद ना करी हो कि ये पक्षी या ये जानवर मुझे आज दिख जाए, वो आपको दिख गया हो, उसके बारे में कुछ बताइए? देखिए, जब एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं तो कुछ दिखता नहीं है. इसलिए ये है कि यू हैव टू गो इनसाइड द जंगल टू सी इट होलिस्टिकली, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हाउ दिस होल इकोसिस्टम इज वर्किंग. जी जी. लेकिन ये है कि देर आर टाइम्स वैन देर समथिंग वेरी स्ट्रेंज हैपन्स. हमारे सामने एक ऐसा हुआ कि एक कॉलर्ड फैल्कोनेट है, दैट इज अ वेरी स्मॉल साइज ऑफ अ रैप्टर. ओके. लेकिन वो रैप्टर जो सबसे छोटा रैप्टर वही है इंडिया में, तो वो जो है सडनली उसने एक प्लेन पेरिनिया
करके एक बर्ड है उसको उसने किल किया, हमारे सामने आके बैठा और वो फिर पूरा उसको इन 10 मिनट्स पूरा खा गई. दैट वॉज एब्सोल्युटली आई मीन यू नो नॉट एक्सपेक्टिंग बट इट वॉज वंडरफुल टू सी इट. राइट. और भविष्य को लेकर के आपकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं लाइंड अप और कौन सी जगह है जहाँ पे आप जाके फोटोग्राफी करना चाहते हैं? मैं ग्रेजुअली बाय एंड बाय ज्यादा से ज्यादा नेशनल पार्क में कवर करना चाहता हूँ जी. डीप साउथ और फार ईस्ट, पर्टिकुलरली असम एंड ऑनवर्ड्स एंड अरुणाचल प्रदेश, दोज आर माई यू नो गोल्स एंड इन माई बकेट लिस्ट, मैं जहाँ पे जाना चाहूंगा. ज्वाइद, आपको लगता है कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आजकल इंट्रूसिव हो गई है क्योंकि हम इतने व्लॉगर्स देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो इंट्रूसिव हो गई है कहीं ना कहीं? वेल डेफिनेटली, इन द सेंस दैट कि जब हम पर्टिकुलरली कोई स्पीसीज को करते हैं तो हम उस स्पीसीज को काफ़ी चेस करते हैं जी. And we have to maintain a certain distance that many wildlife photographers they forget. There have been occasion where लोग noise करते हैं या bird को उड़ाने के लिए वो लोग stone throw करते हैं, वो चीज नहीं होना चाहिए. People at times to get the bird in active वो लोग play करते हैं music, that is absolutely, that should be absolutely forbidden. Our aim is to capture them without disturbing their behavior. Right. बिल्कुल. तो कहीं ना कहीं उसके लिए अपने अंदर कंपैशन होना बहुत जरूरी है और तभी आप सेंसिटिव हो पाएंगे इन सब पक्षियों के. एब्सोल्युटली, विदाउट लविंग अ सर्टेन थिंग इट हैज टू बी अ कॉलिंग. जब तक आप उस चीज को प्यार नहीं करेंगे, उसके साथ उसको जुड़ेंगे नहीं, आप उसको जो है रिजल्ट नहीं दे सकते जी. ज्यादा थोड़े और टेक्निकल एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो लाइट कंडीशंस भी हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होती हैं, कभी हमें कुछ शॉट्स लो लाइट में मिलते हैं या कुछ गोल्डन आवर में मिलते हैं, तो लाइट किस तरह इमीडिएटली मैनेज की जाती है? लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, पर्टिकुलरली द अर्ली मॉर्निंग लाइट और द लेट इवनिंग लाइट, जिसको कि टंगस्टन लाइट भी बोलते हैं. तो उसमें फोटोग्राफी इज एक्सीलेंट, बट एट द सेम टाइम जो चैलेंज आता है कि फोटोग्राफी के लिए आपको लाइट काफ़ी चाहिए होता है, लेकिन लो लाइट में या तो आपका शटर उतना चलता नहीं या पिक्चर ब्लर होने के काफ़ी चांसेस होते हैं. उसको हैंडल करने के लिए या तो आपको आईएसओ पंप अप करना पड़ता है, बट इट इज़ नॉट दैट कि ऑल द फोटोग्राफ्स यू टेक आर ऑल इज परफेक्ट. एट टाइम्स काफ़ी वेस्ट भी होता है, बट ग्रेजुअली बाई एंड बाई आपको फिर उसमें ये होता है कि आप उसमें थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, आप उसको बेटर करने का आप दिस ऑलवेज अ लर्निंग करो. और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में काफ़ी रिस्क रहता है, तो अपनी सेफ्टी को कैसे इंश्योर करते हैं आप? रिस्क तो है इन द सेंस दैट पर्टिकुलरली जब आप नेशनल पार्क में जाते हैं यू हैव टू फॉलो बाय द रूल्स. यू शुड नेवर गेट डाउन फ्रॉम द जीप व्हाट एवर इट मे बी अनलेस एंड अंटिल इट्स अ डेजिग्नेटेड एरिया. तो और rules has to be followed by at any cost. I think you should always be in sync with nature. कभी भी nature के against जाके कुछ ना करें, एक synchronization में रहें, एक अच्छा sync होना पर्यावरण के साथ बेहद महत्वपूर्ण है. इससे आप अपनी सेफ्टी तो इंश्योर करते ही हैं, अपने आस पास जो भी जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं, उनकी सेफ्टी भी इंश्योर करते हैं. ज्वाइदा, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you so much for sharing your experience with us.